Radio.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बुधवार का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए राहत की खबर लेकर आया। बीते एक महीने से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती अब खुली हवा में सांस ले सकेंगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि अभी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट जमा करवा लिया है ताकि वो देश छोड़कर नहीं जा सके। रिया को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। कोर्ट ने रिया को साथ ही ये भी कहा कि जब भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जरूरत महसूस होगी, रिया को पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने रिया से कहा कि वो जांच में एनसीबी का सहयोग करें। रिया चक्रवर्ती को मुंबई से बाहर जाने के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। 3 दिन की पूछताछ के बाद तीसरे दिन एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। रिया चक्रवर्ती को मुंबई के भाई खाला जेल में रखा गया था। ये पूरी तरह से महिला जेल है। लगभग 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आएंगी। रिया के साथ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती को फिलहाल जमानत नहीं दी गई है। वहीं ड्रग पेडलर बासित को भी जमानत नहीं दी गई है। इन सभी लोगों को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जांच के दौरान मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आया था, जिसकी जांच एनसीबी कर रही है। मामला रिया चक्रवर्ती से होता हुआ दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तक पहुंच गया। एनसीबी इन सभी लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।